हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, मैं आ चुकी हूँ गांव अपने ससुराल, और ये है हमारी भैंसे। और आज जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो हाथ से पहले छाछ करते थे और घी निकालते थे ना देसी तरीके से, वो तरीका आजकल जो है मशीनों से तो सब लोग जो है निकालते हैं, पर पहले जो था बिलौनी से घी निकाला जाता था, तो वो जो है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जो हमने दही था वो एक डेलची में डाल लिया है, और अब जो रही है यानी बिलौनी है उसमें नेती लगाकर जो है हम इसको मथ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से जो है पहले घी निकाला जाता था यानी मक्खन निकाला जाता था, दही को जो है बर्तन में डाल दिया जाता था, उसमें बिलौनी नेती लगाकर उसे चलाकर घी निकाला जाता था। इसमें ना किसी लाइट की ज़रूरत पड़ती थी और ना ही इंतज़ार करना पड़ता था, और इसमें जो है काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती थी शरीर की, लेडीज़ों की, और बहुत जल्दी जो है घी निकल जाता था। और आज भी जब लाइट नहीं होती तो इसी से जो है काम चलाया जाता है, बहुत ही अच्छा घी निकलता है इससे, और इसके निकला हुआ जो घी है उसका टेस्ट मशीन यानी लाइट वाली मशीन से निकले हुए घी से ज़्यादा अच्छा होता है। फ्रेंड्स, पहले जो था ऐसे ही हमारी दादी माँ, ताई, नानी माँ, ये सब जो होती हैं ऐसे ही घी निकाला जाता था। और आपने देखा होगा भगवान कृष्ण जो खाते थे ना माखन, तो यशोदा माँ ऐसे ही निकालती थी, और इसमें से माखन निकाल के और छीके बिटा। ये जो रस्सी होती है ना ये वाली, इसको बोला जाता है नेती, और ये रही मतलब बिलोनी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये दही को बिलो के घी निकालती है। ये है प्राचीन तम मशीन, जिसको हाथ से इंसान कभी भी कहीं पर भी निकाल सकता है।
एंड से जो मक्खन था वो निकल चुका था और वो मैंने जो है एक बर्तन में निकाल लिया था। और अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ बिलोनी को साफ़ करने, क्योंकि इसमें भी जो है ना काफ़ी मक्खन लगा रह जाता है और मक्खन की जो चिकनाई है चाहे आप कितना ही पोंछ लो फिर भी जो है इसमें लगी रहती है। तो उसे मैं जो है यहाँ पानी से अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसको साफ़ करके नहीं रखते हैं ना तो इसमें भी जो है फफूंदी सी आ जाती है वो मक्खन की वजह से, और बाद में जब मक्खन निकालते हैं तो उसमें स्मेल सी हो जाती है। तो इसलिए जो है इसे अच्छे से धो के रख देते हैं। और वैसे जो है इसको हल्के गुनगुने पानी से साफ़ करना चाहिए, पर यहाँ पर जो ये पानी है वो नॉर्मल पानी है, मतलब हल्का सा गर्म ही है, इस वजह से मैं इसी से इसे साफ़ कर रही हूँ। अगर ये ठंडा होता तो मैं जो है थोड़ा गर्म पानी करके फिर इसे साफ़ करती। तो यहाँ इसे मैं अच्छे से उंगलियों से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँगी, कहीं पर भी जो है मक्खन नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो इसमें फफूंद लग जाएगी। और यहाँ पर जो ये मैंने साफ़ कर लिया है, पर ये देखिए ये परात है और इसमें कहीं पर देखिए नीचे की साइड आपको दिख रहा है गुलाई में थोड़ा सा जो है मक्खन लगा रह गया है अभी थोड़ा सा। तो इसे फिर से जो है थोड़ा सा धो लूँगी मैं अच्छे से, क्योंकि कहीं पर भी जैसे मैं आपको बता रही थी ना मक्खन लगा रह जाता है तो उसकी स्मेल रहती है और साथ ही फफूंदी भी लग जाती है। तो ये जो है अच्छे से अब धुल चुकी है और इसको जो है मैं इसकी जगह पर रख देती हूँ। और ये देखिए कहीं पर जो थोड़ा होगा ना तो उसे उंगलियों से मैं साफ़ कर दूँगी और इसे रख देती हूँ सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए। आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और आपको हमारा ये देसी जुगाड़ बिना लाइट के मक्खन निकालने का तरीका पसंद आया होगा। और आपकी दादी माँ नानी माँ ताई माँ ने जो है कभी इस तरह से जो है मक्खन निकाला होगा उनसे ज़रूर जो है आप पूछिएगा, आपकी पुरानी यादें जो हैं ताज़ा हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप आगे भी क्या गांव के वीडियो देखना चाहते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में।